हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष गुप्ता, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ बाय आशीष गुप्ता में आपका स्वागत है। जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, आप यूपीटी करते हैं और उसमें दो लाइन आती है, तो उसके बाद आपको आपके डॉक्टर से कब विज़िट करना है। तो जैसे ही आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, आपको अपने डॉक्टर से तुरंत विज़िट करना है, या तो सेम डे या नेक्स्ट डे आपको विज़िट करना चाहिए। पहले ये माना जाता था कि पहले 3 महीने तक आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना है, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि पहले ये मानते थे कि पहले 3 महीने में ना तो बच्चा इतना बड़ा हुआ होता है, ना ही उसको कोई मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये मानता बिल्कुल गलत है, क्योंकि पहले तीन महीने के दौरान ही बच्चे का सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होता है। पहले 3 महीने के दौरान उसके ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो उस दौरान उसको सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। और उसके साथ साथ पहले 3 महीने के दौरान अबॉर्शन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो इसलिए पहले जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आए, आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए, या तो आप सेम डे या उसके नेक्स्ट डे आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब दूसरी बात आती है कि जैसे आपने मन बना लिया कि अभी आपको डॉक्टर के पास जाना है, तो आपके मन में ये सवाल आते हैं कि मेरे को डॉक्टर को क्या बताना है और डॉक्टर मेरे को क्या चीज़ क्या एडवाइस करेगा, तो ये सारी चीज़ें आपके मन में आती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको डॉक्टर को क्या बताना है। तो आपको जैसे ही आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अपनी गायनी के पास आप जाते हैं, तो आपको सबसे पहले ये बताना है कि आपकी प्रेगनेंसी नेचुरल है या कोई मेडिसिन वगैरह तो आप नहीं ले रहे हो, ताकि जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हुई हो। जैसे कि आप कोई इनफर्टिलिटी की मेडिसिन तो नहीं ले रहे हो, या PCOS की कोई मेडिसिन तो नहीं ले रहे हो, तो वो चीज़ें आपको बतानी है, ताकि जो आगे आपकी जो मेडिसिन वगैरह चले उनमें आपकी जो डॉक्टर है कुछ हार्मोनल मेडिसिन भी ऐड कर सके, उसी हिसाब से उनको बताना है। दूसरा आपको बताना है कि आपको कोई रिसेंट कोई आप मेडिसिन तो नहीं ले रहे हो, जैसे कि आप डायबिटीज़ की कोई मेडिसिन तो नहीं ले रहे हो, या थायरॉयड डिजीज़ की कोई मेडिसिन तो नहीं ले रहे हो, जैसे हाइपरथायरॉयडिज्म की या हाइपोथायरॉयडिज्म की कोई मेडिसिन तो नहीं ले रहे हो। क्योंकि हाइपो या हाइपरथायरॉयडिज्म की अगर आप मेडिसिन ले रहे हो, या आपको अगर हाइपो या हाइपरथायरॉयडिज्म है, तो आपको अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके साथ साथ आपको पास्ट मेडिकल हिस्ट्री भी बतानी है, जैसे कि आपको कोई हार्ट डिजीज़ तो नहीं है, या साथ साथ आपको कोई TB का ट्रीटमेंट तो आप नहीं ले रहे हो। उसके अलावा आपको पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री भी बतानी है कि आपके कोई पहले कोई सर्जरी तो हुई है या नहीं। अगर ये आपकी दूसरी प्रेगनेंसी है, तो आपको पहली प्रेगनेंसी के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हुए उनके बारे में बताना है, या आपके बच्चे की ग्रोथ पिछली प्रेगनेंसी में कुछ रुक गई हो, या IUGR हुआ हो, इंट्रायूटराइन ग्रोथ रिटार्डेशन कुछ हुआ है बच्चे को, या बच्चे को डिस्ट्रेस हुआ हो प्रेगनेंसी डिलीवरी के टाइम पे, या आपकी जो डिलीवरी है वो सीजेरियन थी या नॉर्मल, आप कोई सेडेटिव ड्रग्स तो नहीं ले रहे, यानी नींद आने की कोई दवाइयाँ वगैरह तो आप नहीं ले रहे हैं, या तो ये सारी चीज़ें आपको अपने डॉक्टर को बतानी है। उसके बाद आप बात करते हैं कि डॉक्टर आपको क्या क्या चीज़ बताएगा, या डॉक्टर से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो। डॉक्टर सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप जो बताते हैं आपकी बात सुनता है, उसके बाद वो आपको सोनोग्राफी के लिए बोलते हैं, उससे आपका कंफर्म हो जाएगा कि आप प्रेग्नेंट हो। और साथ साथ वो ये चीज़ रूल आउट करने का प्रयास भी करते हैं कि जो प्रेगनेंसी है वो यूट्राइन प्रेगनेंसी है या ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, क्योंकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी कि फेलोपियन आपकी जो ट्यूब होती है उसके अंदर ही प्रेगनेंसी डेवलप हो जाती है, आपके जो यूटरस है गर्भाशय है उसके अंदर डेवलप नहीं होती, तो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी सोनोग्राफी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद वो आपके ब्लड टेस्ट करवाते हैं, ब्लड टेस्ट में आपका हीमोग्लोबिन चेक किया जाता है, साथ साथ कंप्लीट ब्लड काउंट किया जाता है, BDRL टेस्ट किया जाता है, आपका HIV टेस्ट किया जाता है, आपका HBsAg टेस्ट किया जाता है, जो कि हेपेटाइटिस के लिए बहुत ज़रूरी है, हेपेटाइटिस बी के इन्फेक्शन से बचने आपके बच्चे को बचाने में बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके साथ साथ आपके और भी ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि थायराइड का टेस्ट किया जाएगा आपको पता लगाने के लिए कि इसमें हाइपो या हाइपरथायरॉयडिज्म तो नहीं है। साथ साथ आपको बताया जाएगा कि आपको क्या क्या फूड हैबिट्स यूज करनी है, क्या क्या फूड आपको खाने हैं, क्या क्या नहीं खाने हैं।
आपकी जो पास्ट कोई अगर मेडिसिन हिस्ट्री है तो उसके हिसाब से कौन कौन सी आपको दवाइयाँ दी जानी है उनके बारे में बताएंगी। आपका हाइट और वेट भी चेक किया जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर चेक किया जाएगा, अगर आपको कोई डायबिटीज़ है या हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर है तो आपको जो कंसर्न उसके जो डॉक्टर है उनके पास रेफर किया जाएगा और उनसे ज़रूरी सलाह के लिए बोला जाएगा। साथ साथ आपको फोलिक एसिड की टेबलेट्स भी दी जाएगी, क्योंकि पहले 3 महीने आपको फोलिक एसिड लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है उस टाइम से आपको फोलिक एसिड लेना स्टार्ट करना है। तो ये चीज़ें आपको आपके डॉक्टर के द्वारा बताई जाएगी। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि आगे मैं आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।